गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। हम लोग पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा की। जब लोग बात की जाती है आर्थ्रोपोडा की, जब बात की जाती है तो क्या होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी क्लास आती है, क्लास इंसेक्ट, कीट, ठीक है ना, क्लास इंसेक्टा। यदि क्लास इंसेक्टा की बात की जाए, यदि क्लास इंसेक्टा की बात की जाए तो क्या होता है, इंसेक्टा के जो जीव होंगे ह्यूमन के लिए कई प्रकार से क्या होते हैं, हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। फसलों की यदि बात की जाए, खेती की यदि बात की जाए, खेती में भी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे, साथ ही साथ अन्य प्रकार से भी क्या होंगे, हमारे जो भंडारित अनाज होगा इसको नष्ट करने का काम करेंगे। तो इसको किस प्रकार से रोका जाए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो आज के चैप्टर का नाम है नाशक कीट प्रबंधन, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहली बात की जाए पेस्ट की, यदि बात की जाए जिसे हमने नाशक बोला है, कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेस्ट, ठीक है ना। तो नाशक के लिए बोला जा सकता है कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा जीव जो कि अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर मानव जाति को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, आर्थिक रूप से हानि। आर्थिक रूप से यदि बात की जाए तो वो रोग भी कर सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, साथ ही साथ वो जो इसकी जहाँ से उसकी कमाई हो रही है, जैसे कि हम लोग खेती की बात करते हैं तो खेती से में क्या कर सकता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ जो भंडारित अनाज होगा, स्टोर्ड फूड ग्रेन्स होंगे, स्टोर्ड क्रॉप्स होंगी, इनको भी हानि पहुँचाए। ऐसा कोई भी जीव क्या कहलाएगा, नाशक कहलाएगा, पेस्ट कहलाएगा। तो ये जो कह सकते हैं वह प्राणी जो अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर मानव जाति को आर्थिक हानि पहुंचाता है, आर्थिक हानि पहुंचाता है नाशक कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या कर सकता है, किस किस प्रकार से हानि पहुंचा सकता है, ये फसलों को नष्ट कर सकता है, जो संग्रहित खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, इनको नष्ट कर सकता है, अन्न को अनुपयोगी बना सकता है। तो ये कह सकते हैं नाशक फसलों को नष्ट करके संग्रहित भोज्य पदार्थों या संग्रहित भोज्य पदार्थों या अन्न को या अन्न को अनुपयोगी बनाकर अनुपयोगी बनाकर साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं इमारती लकड़ी, टिम्बर वुड, बता देता हूँ मैं क्या है टिम्बर, एक ऐसी लकड़ी जिसकी रेट क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब जिससे अब इमारती लकड़ी की यदि बात की जाए तो इमारती लकड़ी से क्या बनाया जाता है,
जो हाउस का फर्नीचर होता है, घर का फर्नीचर होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इमारती लकड़ी होती है, जंगले चौकट गेट वगैरह ये होते हैं, साथ ही साथ सोफ़ा बेड वगैरह ये जो बनाए जाएंगे टिम्बर वुड से ही बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सागवान, शीशम, बबूल वगैरह, कीकर वगैरह की लकड़ियाँ यूज़ में ली जाती हैं, जिनकी रेट क्या होगी, अत्यधिक हाई होती है, ठीक है ना। यदि इनमें किसी भी कारणवश दीमक लग जाए या कोई अन्य जीव उत्पन्न हो जाए, इसमें टर्माइट्स वगैरह, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाती है, इससे क्या होगी इसकी, जिससे इसमें जो सेल्यूलोज होता है, क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, स्टार्च होगा, इसका पाचन हो जाएगा, इसका पाचन हो जाएगा, लकड़ी क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी तो इसकी क्या है, वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर वैल्यू रह जाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकता है, अनुपयोगी बना सकता है। इमारती लकड़ी, वस्त्रों, पुराने वस्त्रों की यदि बात की जाती है तो पुराने वस्त्रों में लैपिज्मा वगैरह मिल सकती है, जो कि इसको नष्ट करने का काम करती है। इसी प्रकार से लैपिज्मा क्या है, पुरानी बुके जो होती है, पुस्तकें, पुस्तकों, ऊनी अथवा अथवा चमड़े के सामान, ऊनी अथवा चमड़े के सामान आदि को हानि पहुंचाते हैं, आदि को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, अनेक प्रकार के जो कीट हैं, ठीक है, रोग उत्पन्न करेंगे और रोगाणुओं को, पैथोजन्स को एक पोषक से दूसरे पोषक में संचरण, ट्रांसमिशन का काम भी करेंगे, मतलब कॉजिटिव एजेंट या पैथोजेनिक एजेंट की तरह काम करेंगे, कैरियर की तरह काम करेंगे, वाहक के रूप में काम करेंगे अनेक कीट। अनेक कीट रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, अनेक कीट रोग उत्पन्न करते हैं या रोगाणुओं का, रोगाणु होते हैं पैथोजन्स, रोग को करने वाले, ठीक है ना, रोग का जो कारक होगा उसे हम लोग बोलेंगे पैथोजन। रोगाणुओं को एक पोषक से, एक पोषक से दूसरे पोषक में संचरण, संचरण करते हैं, एक पोषक से दूसरे पोषक में संचरण, संचरण होता है ट्रांसमिशन, ठीक है ना, संचरण करने का काम करते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, परजीवी, पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे, जो कि परजीवी की जो होस्ट होगा इसके क्या है, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में, और भीतर भी रह सकते हैं इंटरनल पैरासाइट के रूप में। परजीवी प्राणी की प्रकृति, नाशक, परजीवी प्रकृति, पैरासिटिक नेचर, नेचर के होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जो जो पोषक होता है होस्ट, जिसके ऊपर ही पाया जाएगा, शरीर के भीतर या बाहर रहकर हानि पहुंचाते हैं, शरीर के भीतर या बाहर रहकर हानि पहुंचाते हैं। इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति को, पोषक जीव को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हानि होगी। इसके कारण
पोषक होस्ट को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानि होती है, हानि होती है, ठीक है ना? क्या होगा? हानि होती है। ये हो जाता है आपका यहाँ तक थोड़ा सा पॉइंट, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।